दिग्गज थे जिन्होंने पंजाब को कभी ऊपर नहीं उठने दिया, अपने महल दुमहले बनवा लिए, अपने घरों पे हेलीपैड बनवा लिए, अपने विलास बनवा लिए, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं किया 15-20-25 साल में। आज उन तमाम पंजाब के लोगों ने मिलके बहुत ऑर्डिनरी लोगों को, मोबाइल शॉप में काम करने वाले एक आम आदमी को, एक झुग्गियों में एजुकेशन में एनजीओ पे काम करने वाली एक लड़की को, एक आई सर्जन को, इस तरह के तमाम लोगों को मौका दिया है कि अब हमारे लिए कुछ करके दिखाइए। तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे पंजाब के साथियों का धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपके मौके का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी आयानू। अब हम सब मिलके पंजाब को खड़ा करेंगे और पूरे देश में जो उम्मीद है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, शिक्षा की राजनीति, स्कूल अस्पताल की राजनीति, रोजगार की राजनीति, एक ईमानदार व्यापार की राजनीति, इस सब को आगे बढ़ाएंगे। सर, एक चर्चा चल रही है आपकी जीत के बाद कि अब जिस तरह से ममता बनर्जी कभी विपक्षी दलों का एक मुख्य चेहरा हुआ करती थी, क्या अब आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल साहब का चेहरा 2024 में? बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात यह है कि इस देश में 75 साल बाद अब ये तय होना चाहिए कि क्या देश में चुनाव काम की राजनीति पे होंगे या भ्रष्टाचार वालों की राजनीति पे होंगे। आज पंजाब ने मैसेज दिया है कि अब समय आ गया है कि देश में चुनाव शिक्षा के लिए, स्कूल अस्पताल, बिजली पानी, किसान के मुद्दे, व्यापारियों के मुद्दों पे होंगे, फर्जी राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति पे नहीं। आम आदमी पार्टी अब राज्यसभा में भी एक बड़ी जगह बनाने जा रही है, वो भी बस आगे होगा।